हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन मैं हूं हुवाती आपकी इंग्लिश एजुकेटर और यहां पे हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स हनी सकल बुक जो कि हमारी लिटरेचर की बुक है उसके यूनिट नाइन के एम सी क्यूज द नेम ऑफ द चैप्टर इज डेजर्ट एनिमल्स बट बिफोर वी स्टार्ट आई नीड टू टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हर टीचर ने अपने अपने सब्जेक्ट के वीडियोज क्रिएट कर दिए हैं एंड अभी भी ऑन गोइंग चल रहे हैं बेसिकली वी जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट हम अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं एंड डू नॉट वरी बिकॉज मैग्नेट ड्रेंस के इस चैनल पे यू डू नॉट हैव टू पे फॉर एनीथिंग लाइक आप जो ये वीडियोस देख रहे हो आफ्टर वन और टू वीडियोस यू विल नॉट बी आज टू पे फॉर एनी थिंग दैट्स द बेस्ट थिंग सो इट्स अ फ्री एजुकेशन चैनल नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एम द चैप्टर इज डेजर्ट एनिमल्स पहला क्वेश्चन है ऑल डेजर्ट एनिमल्स स्ट्रगल जितने भी डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो किस चीज़ से स्ट्रगल करते हैं टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस मतलब बहुत मुश्किल से कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं टू गेट स्लीप उन्हें सोने में बहुत दिक्कत होती है टू विन जीतने में दिक्कत होती है या खाना अरेंज करने में दिक्कत होती है दी आंसर इज़ वो बहुत ही हार्श कंडीशंस में रहते हैं क्योंकि उनका टेम्परेचर जो होता है वहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है दी एनिमल्स डैश टू सेव दिल्स एनिमल्स क्या करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्ले करते हैं खेलते हैं अटैक करते हैं स्लीप करते हैं या शाउट करते हैं अपने आप को बचाने के लिए आपको अटैक करना पड़ेगा दस विल बी बी अटैक सम एनिमल्स आर प्रिडिटर्स एज कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो प्रिडिटर्स होते हैं प्रिडिटर्स का मतलब क्या होता है दे आर हंटर्स दे प्रे ऑन अदर एनिमल्स मतलब प्रिडिटर्स का मतलब होता है वो जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए वो दूसरों को मार देते हैं दे आर विक्टिमाइज और दे हाईबर्न एट आंसर इज दैट दे प्रे ऑन अदर एनिमल्स मतलब वो दूसरों पर अटैक करते हैं जैसे इफ वाई टॉक अबाउट अ लाइन सो लाइन काउक पर अटैक करेगा या डियर पर अटैक करेगा तो लाइन इज अ प्रिडेटर डेजर्ट्स आर द ड्राइस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ डेजर्ट्स जो हैं वो पूरी अर्थ में सबसे ज़्यादा ड्राई प्लेसेस होते हैं यस, टू सेटल टू बिल्ड पैलेसेस और टू ग्रो क्रॉप्स द आंसर इज ट्रू यस पूरी दुनिया में जो ड्राइस्ट प्लेसेस होती है, वो हैं वो होती हैं डेजर्ट गर्बल्स पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे जो गर्बल्स जो होते हैं एक तरीके सेप्टाइल्स जो होते हैं इंसेक्ट्स जो होते हैं ये अपने जब दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये लोग क्या करते हैं अपने आप को सेफ करने के लिए वो पेड़ों के नीचे चले जाते हैं वैलीज में चले जाते हैं पानी में चले जाते हैं या अपने लिए वो ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड बरोज़ बनाते हैं बिल्स बना बिल बनाते हैं और उसमें चले जाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं ज़मीन के अंदर जो है बिल बनाते हैं उसमें जाके रहते हैं पूरे दिन भर ताकि उनको जो है स्वेट नहीं करना पड़े ताकि उनको जो है इतनी जो हार्श वेदर होता है उसको सामना नहीं करना पड़े तो आंसर इज़ इन कूल अंडरग्राउंड बरोज़ केमल्स गेट द नेसेसरी वाटर केमल्स को जितना पानी चाहिए वो पानी उनको किस चीज़ से मिल जाता है फ्रॉम द डेजर्ट प्लांट्स दे ईट प्लांट्स जो वो खाते हैं चाहे वो कैक्टस की लीवस खाएँ जो भी वो खाते हैं क्या उससे फ्राम मिराजिस जो ये ओस होते हैं उनसे फ्राम देयर हम्प्स उनकी जो पीठ में हम्प होता है उससे या अपनी बॉडी से उन्हें पानी मिलता है द आंसर इज ये जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जैसे कैक्टस हुआ एलोवेरा हुआ जैसे आपने देखा ये फ्लैशी स्टेम्स होते हैं तब जब वो इनको खाते हैं तो इसमें जो पानी होता है वो उससे उनकी प्यास बुझ जाती है अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक थर्टी गैलनस ऑफ वाटर एक जो थर्स्टी कैमल है वो तीस गैलन पानी पी सकता है कितनी देर में पंद्रह मिनट दस मिनट पच्चीस मिनट या एक मिनट में वो एक मिनट में थर्टी गैलनस ऑफ पानी पी सकता है द कैमल्स हम्प अब ये जो कैमल का जो हम्प होता है वो क्या होता है इट इज़ फुल ऑफ वाटर फुल ऑफ फूड फुल ऑफ फैट या फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली आपको चलने के लिए एनर्जी चाहिए एनर्जी आपको फैट से कार्बोहाइड्रेट से मिलती है जो एक कैमल का हम्प होता है इट इज़ टोटली फुल ऑफ फैट इसी लिए वो जब बहुत दिन तक खाने खाना नहीं करता तब भी वो सर्वाइव कर सकता है क्योंकि वो इस फैट की एनर्जी को यूज़ कर लेता है वर्ड फ्राज फ्र मतलब क्या होता है खाना ढूंढना सर्च फॉर फूड सर्च फॉर दर्ड सर्च फॉर वर्क या सर्च फॉर बॉटर तो जब आप खाना ढूंढते हो उसको बोलते हैं सर्च ऑर फूड या फराज सम्स आर डेंजरस कुछ एनिमल्स डेंजरस होते हैं लेकिन सिर्फ तब जब वो अपने आप को बचाना चाहते हैं ओनली वेन दे आर थ्टन जब हम उन्हें डराते हैं वो अपने आप को बचाना चाहते हैं सिर्फ तब वो अटैक करते हैं बिकॉज ऑफ द नॉन पॉइजनस थिंग फॉर दे आर अटैकर्स फॉर देर मैमल्स क्योंकि वो अटैकर्स होते हैं या मैमल्स होते हैं इसलिए नहीं द आंसर इज़ क्यों क्योंकि जब आप उनको परेशान करोगे किसी भी तरीके से सिर्फ वो तब आपको आके जो है मतलब आप, आपको हार्म करने की कोशिश करेंगे एंड यू विल फाइंड दैम डिफिकल्ट डेंजरस एज एनिमल्स आर गेटिंग एक्सटिंट अब एनिमल्स जो हैं वो लुप्त तो होते जा रहे हैं वन मोटो शुड भी तो हमारा मोटो क्या होना चाहिए कि हमको ट्रीज़ को बचाना है वाइल्ड लाइफ को बचाना है हमको रिजर्व्स बनाना चाहिए अलग अलग नेशनल पार्कस और रिजर्व्स बनाना चाहिए या हमको पोचिंग पर पूरी रोक लगा देनी चाहिए द आंसर इज जब आप देख रहे हो कि एनिमल्स जो हैं आपके पास वो लुप्त तो होते जा रहे हैं एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं देन यू हैव टू प्रजर्व दी देम आपको जो बचे हुए एनिमल्स हैं इन वाइल्ड लाइफ को बचा के रखना है प्रिजर्व करके रखना है नेक्स्ट इज डेजर्ट्स एक्सपीरियंस डेजर्ट्स में कितनी बारिश होती है कम बारिश होती है ना हैवी रेन तो होती नहीं है वेरी लिटिल इनफ टू वाटर प्लांट्स नो रेन ऑल नॉर्मल नो रेन ऑल तो होता नहीं है नॉर्मल भी नहीं होता वहां पे क्या होता है बहुत ही कम बारिश होती है वेरी लिटिल द डेजर्ट एनिमल्स कैन सर्वाइव डेजर्ट एनिमल्स कैसे सर्वाइव कर सकते हैं बिना पानी के बहुत कम पानी के साथ बिना खाने के या बिना कैक्टस के द आंसर इज बहुत कम पानी के साथ जितने भी डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उन्हें बहुत कम पानी लगता है द जेटल स्नेक अब जेटल स्नेक क्या होता है लिटिल स्नेक जो होता है जो एक तरीके का स्नेक होता है उसको लोग नहीं अच्छे रहते हैं वो अवॉइड करता है वो लोगों का हंट करता है वो बहुत ज्यादा फियर्स होते हैं या जब उन्हें डराओ सिर्फ तब अटैक करते हैं आंसर लिटिल स्नेक होता है ये सिर्फ जब आप उनको डराते हो तब ये लोग अटैक करते हैं द नॉइस ऑफ द टेल इज ऑडिबल टू ये जो नॉइस है टेल का ये किसको सुनाई दे रहा है स्मोक स्नेक को इंट्रूडर को हर क्रिएचर को या किसी को भी नहीं द आंसर इज ये हर क्रिएचर को सुनाई दे रहा है मंगूस इज हैबिट ऑफ हंटिंग मंगूस जो होते हैं वो लोग जब हंटिंग करते हैं तो वो हमेशा ग्रुप में जाते हैं दे नेवर गो अलोन सो अलोन नहीं आएगा इन ग्रुप है इन डे या इन थिएटर्स नहीं आए इन थ्रीज नहीं आएगा द आंसर इज इन मंगूस हमेशा झुंड में जो है किसी पे हार्म करते हैं ओके okay? इवन वाइल्ड हंटिंग दे आर स्केयर ऑफ जब आप मंगूस जो किसी को किसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं उस टाइम पे भी दे आर स्केयर्ड ऑफ वॉट बींग हंटेड द स्नेक्स देंस या पैर तभी भी उनको लगता है कोई हमें हंट ना कर ले वॉचिंग द मंगूस वाइल्ड हंटिंग इज डेंजरस हॉरिबल पिटिएबल या अ प्लेजर अगर आप मंगूस को लड़ते हुए देखोगे तो वो एक बहुत ही दिलचस्प नजारा होता है दैट इज वट वाई हियर दे हैव सेट अ प्लेजर इट इज अ प्लेजर टू वॉच अ मंगूस एंड अ स्नेक मंगूस किल स्नैक्स एज मंगूस जो हैं वो स्नैक्स को मार देते हैं क्यों क्योंकि वो ज़्यादा पॉइजनस होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बिकॉज दे रिएक्ट वेरी क्विकली उनका रिएक्शन बहुत जल्दी होता है या स्नैक्स को उनसे डर लगता है द आंसर इज क्योंकि वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो अगली बार क्या करने वाले हैं द मंगूस विंस द बैटल मंगूस जो है ये बैटल को जीत जाता है कैसे जीत जाता है बाय मींस ऑफ पाए पॉइजन अपनी स्ट्रेंथ दिखा के टू हेल्प यू नो हेल्प ऑफ इट्स पॉज या टायरिंग द स्नेक तो वो क्या करता है वो इस स्नेक को थका देता है बहुत ज़्यादा थका देता है उसके बाद उसके ऊपर अटैक करता है बैक्टीरियन कैमल हैज़ ये जो बैक्टीरियन कैमल होता है इसके क्या है एक हम्प होता है दो हम्प होता है तीन हम्प होते हैं है, या कोई हम्प ही नहीं होता इज इसके दो हम्प होते हैं हम्प इज अ कंटेनर ऑफ हम्प में क्या होता है अभी हमने डिस्कस किया था प्योर फैट फुल फैट। द हम्प हेल्प द कैमल टू ये जो हम्प होता है ये कैमल को किस चीज में हेल्प करता है डेजर्ट में मूव करने के लिए मैन के लिए यूजफुल होने के लिए राइड right करने के लिए सर्वाइव इन डेजर्ट दंसर इज टू सरवाइव इन डेजर्ट ये जो हम Help, मतलब होता है कैमल का उसमें फैट होता है तो वो उसको यूज कर सकते हैं हिंद तो में एशियन कॉन्टिनेंट अमेरिकन कॉन्टिनेंट या अरेबियन कॉन्टिनेंट आंसर इज ये सब अमेरिकन कॉन्टिनेंट में रहते हैं विच एनिमल इज नोन एज द डेजर्ट शिप ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है साइंस में भी आता है द आंसर इज कैमल कैमल को हम डेजर्ट शिप के नाम से भी जानते हैं द कैमल इज कॉल्ड एज डॉमेट्री कैमल हु कैमल होता है उसके पास सिर्फ एक सिंगल हम्प होता है who do, what do eat? ये जो जो तो ये जो rattlesnakes है, ये हैं, क्या खाते हैं या all of these. Answer is, all of these. वो सब कुछ खा लेते हैं वट डू एनिमल हैव टू कीप एनिमल को क्या वार्म रखना होता है लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स या फिर गैलेंस कोट्स या हम्स उनको क्या छुपाना होता है उनको अपने लॉन्ग बहुत टाइम से यूज किए हुए कोट्स छुपाने होते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉज डॉज का मतलब होता है कोई ने आपके ऊपर आप अटैक किया या बॉल आ रही है तो आप झुक गए अपने आप को बचाने के लिए उसे कहते हैं डॉज करना मूव फास्ट नो मूव स्लोली नो मूव वर्क फास्ट और वर्क स्लोली नो द आंसर इज मूव क्विकली टू अवॉइड इट्स एनिमी जल्दी काम करो ताकि आपको इससे कंपटीशन नहीं मिले एनिमी ना मिले ओके okay?

क्लिक ऑन दब्स क्लास जैसे आप क्लास पर क्लिक करोगे उस चैप्टर के सारे uh, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सारे वीडियोज आ जाएंगे सिलेबस वाइज मतलब आपके सब्जेक्ट वाइज उसके बाद यू हैव टू सिलेक्ट अ टॉपिक एंड द वीडियो विल स्टार्ट सो दैट इज इट थैंक यू सो मच वंस अगेन डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आई एल सी यू सूड इन माई नेक्स्ट वीडियो बाई